हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज हम बनाएंगे चना और तुरई की सब्जी। इस तरह से चना और तुरई की सब्जी आप एक बार घर पे ज़रूर बना के देखिए। बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत पसंद आएगा और सभी आपसे मांग मांग के खाएंगे। ये सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तुरई की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो तुरई लिया है और हम इसे इस तरह से छील लेंगे। ये देखिए, इसके पतले पतले इस तरह से छिलके होते हैं। तुरई को हम चाकू या चम्मच से इसे इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ करते हुए छील लेंगे या इसका छिलका निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने तुरई का छिलका निकाल लिया है और इसे अच्छी तरह से धो लिया है। और अब हम इसे इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने सभी तुरई या नेनुआ को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और अब हम इसे इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे या पतले पतले शेप में सब्जी काट लेंगे। यहाँ मैंने सभी तुरई का सब्जी काट लिया है और चलिए अब हम इसे बना लेते हैं। बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में तुरई को डालेंगे। इस तरह थोड़े थोड़े क्वांटिटी में करके सारे तुरई को डाल देंगे और इसमें एक कप सोक किया हुआ या भिगोया हुआ चना डालेंगे। यहाँ मैंने ब्राउन चना का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो वाइट चना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी में आधा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इस टाइम पे गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। और अब हम हल्दी डालेंगे और अब हम तुरई की सब्जी को नीचे से ऊपर की तरफ करते हुए मिला लेंगे। सब्जी को हम एक मिनट के लिए अच्छी तरह से चलाते हुए मिला लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, सब्जी को चलाते हुए एक मिनट हो गया है और सब्जी हमारा थोड़ा सा गल भी गया है और सब्जी से काफ़ी सारा पानी भी छोड़ दिया है। इस टाइम पे हम सब्जी को ढक कर या कवर कर 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 10 मिनट हो गया है, सब्जी को हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, सब्जी हमारी गल गई है और ये डबल से आधी हो गई है। सब्जी को हम चलाते हुए मिला लेंगे। सब्जी हमारी पक गई है और इस टाइम पे हम इसे अच्छी तरह से संभाल के पकड़ते हुए दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे या ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सब्जी को दूसरे बर्तन में निकाल लिया है और हम इस कढ़ाई को एक बार अच्छी तरह से धो लेंगे और कढ़ाई को गैस पे गरम होने देंगे। कढ़ाई गरम हो गया है, हम इसमें 1 से 2 चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, आप अपने पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गरम हो गया, हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। सूखी लाल मिर्च को इस तरह से तोड़कर डालेंगे। एक मीडियम साइज का इस तरह लंबे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज डालेंगे। यहाँ मैंने प्याज को स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को इस तरह चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट हो गया है और अब हम इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक या अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आप चाहे तो सिर्फ अदरक या सिर्फ लहसुन को भी बारीक काट करके डाल सकते हैं। 1 तेज पत्ता को तोड़कर डालेंगे। बारीक कटा हुआ 3 हरी मिर्च डालेंगे और सभी को इस तरह चलाते हुए मिला लेंगे और भून लेंगे। यहाँ मैंने सभी इंग्रेडिएंट को चलाते हुए भून लिया है और अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालकर टमाटर को भी प्याज के साथ 1 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। मसाले डाल करके सभी इंग्रेडिएंट को चलाते हुए हम मिला लेंगे। मसाला जले ना, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे।
पानी डालकर मसालों को चलाते हुए हम पका लेंगे। मसाले हमारे पक गए हैं और इस टाइम पे हम इसमें पका हुआ तुरई या नेनुआ डालेंगे। और अब हम सभी इंग्रेडिएंट को या सब्जी को मसालों के साथ चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों के साथ तुरई को मिलाते हुए 2 मिनट हो गए हैं और सब्जी हमारा अच्छी तरह से मिल गया है। सब्जी को हम ढक कर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 5 मिनट हो गया है, हम सब्जी को चेक कर लेंगे और ये देखिए सब्जी हमारा बन के तैयार हो गया है। हम इसे एक बार फिर से मिला लेंगे अच्छी तरह से। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चलिए अब हम सब्जी को सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए चना और तुरई की सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है। आप इसे रोटी, चावल किसी के भी साथ खाइए, खाने में बहुत अच्छा लगता है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।